नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम आज लोग बात करेंगे कि क्या किन किन देशों में पति पत्नी को अलग होने के लिए कोई कानून नहीं है, अर्थात तलाक का नियम नहीं है। वो नियम क्यों नहीं है, क्या उस पर क्यों आज यह चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर आइए हम बात करते हैं। किस देश ने इस पर नया कानून लाने के लिए बात की है, इसलिए यह चर्चा में है। तो आइए एक एक करके हम सभी मुद्दों पर बात करते हैं। आज का हमारा विषय है कि विश्व के किन किन देशों में तलाक नहीं होता। हम बात करेंगे कि इन देशों में अवैध है तलाक। अवैध मतलब इलीगल, मतलब उसको कानूनी अधिकार नहीं है, कोई वैधता उसको नहीं मिली हुई है। चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, उसके बाद बात करेंगे कि फिलीपींस में तलाक क्यों नहीं है कानूनी। फिलीपींस जो देश है जिसकी राजधानी मनीला है, वहां पर तलाक की व्यवस्था क्यों नहीं है, और अगर है तो यह कानूनी रूप इसको क्यों नहीं दिया गया है, इसकी वैधता क्यों नहीं है, क्यों यह अवैध है। उसके बाद बात करेंगे कैथोलिक धर्म में तलाक की क्या स्थिति है, उसके बाद क्या है मौजूदा प्रावधान और नए विधेयक में क्या है प्रस्ताव। आइए एक एक करके सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं। चर्चा में क्या है, फिलीपींस वेटिकन सिटी तलाक की अनुमति नहीं देते हैं। दो देश हैं, एक फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है और एक वेटिकन सिटी, ये भी एक देश है। यह दो देश तलाक की अनुमति नहीं देते हैं, अर्थात अगर किसी को अलग होना है तो वह अलग हो जाए, अलग रहे, लेकिन उनको कानूनी वैधता नहीं है कि आप कानूनी रूप से अलग हो सकते हैं। दो लोगों का यहाँ पे अभिप्राय पति और पत्नी से है, एक विवाहित जोड़े से यहाँ पर इसको माना जाए और देखा जाए। फिलीपींस की संसद के निचले सदन ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है अगस्त में, सीनेट ने ऐसा पास करके और राष्ट्रपति को भेजा है। अब यह प्रतिनिधि सभा में पारित होना बाकी है। इस प्रकार का कानून प्रतिनिधि सभा में भेजा जाना है और वहां पर जाएगा, और उसके बाद अगर प्रतिनिधि सभा ने इसको पारित कर दिया तो यह कानून का रूप ले लेगा। विवाह और रिश्तों के प्रति इसमें क्या व्यवस्था है, उसके बाद हम बात करेंगे इसी में कि सामाजिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है जो वैधानिकता नहीं है तलाक की। अगर क्या यह इन देशों में वैधानिक हो जाएगा, इनकी वैधानिकता बनती है, कानून इस पर पास हो जाएगा, तब सामाजिक दृष्टिकोण में एक यह महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलीपींस में तलाक क्यों नहीं है, आइए इस पर बात करते हैं। तो जो वर्ष 2020 का सेंसस है, 2020 की वहां की जो जनगणना हुई है, उसके अनुसार जो फिलीपींस की घरेलू आबादी है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, उसमें रोमन कैथोलिकों की हिस्सेदारी 78.8% है और मुसलमानों की स्थिति 6.4% है। बहरहाल जो मुसलमान होते हैं उसमें उनके धर्म के अनुसार उनको तलाक का अधिकार है, लेकिन फिलीपींस की जो 78% आबादी है जो कैथोलिक धर्म को मानने वाली है, रोमन कैथोलिक मतलब ईसाई का एक पार्ट होता है, इसमें यह अधिकार इनको नहीं मिला है, तलाक का अधिकार नहीं मिला है। मुसलमानों को तलाक का अधिकार है, व्यक्तिगत मामलों में शरिया कानून द्वारा यह शासित होता है। जो मुसलमान है वह वहां पे फिलीपींस में 6.5% के आसपास है, लेकिन उन वो शरिया कानून के अनुसार वह व्यक्तिगत रूप से तलाक को मानते हैं और तलाक उनमें वैध है। लेकिन अगर देश की स्थिति में बात की जाए तो यह फिलीपींस में तलाक की वैधता नहीं है। वहां की जो बहुसंख्यक आबादी है, रोमन कैथोलिक जिसकी आबादी, जिसकी जनसंख्या 78% से ज्यादा है, उसमें यह तलाक की प्रथा नहीं है। धर्म और तलाक कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, या कैसे एक तरफ से अलग है, या कैथोलिक धर्म तलाक के बारे में क्या कहता है, या तलाक का प्रावधान क्या कैथोलिक धर्म में है, दोनों बातों को हम समझते हुए चलेंगे। कैथोलिकों के लिए विवाह ईश्वर और समाज के प्रति एक पवित्र प्रतिबद्धता है। जो विवाह है वह समाज के प्रति क्या है, एक प्रतिबद्धता है, पवित्र है, इसलिए इसमें तलाक की स्थिति नहीं है। कुछ मामलों में पति पत्नी विवाह के बाद अलग हो सकते हैं, लेकिन चर्च में दोबारा विवाह नहीं कर सकते हैं। अलग हो सकते हैं, तलाक की व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अलग हो जाए और दूसरे से जाकर दोबारा शादी कर ले, ऐसी व्यवस्था हमारे कैथोलिक धर्म में, रोमन कैथोलिक धर्म में नहीं है। हेनरी अष्टम 1509 से 1547 तक थे, जिसने कैथरीन ऑफ एरागन के साथ इनके विवाह को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ लिया इन्होंने और स्वयं को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च प्रमुख इन्होंने बना दिया। यह 16वीं सदी में स्पेन द्वारा उपनिवेशीकरण से पहले अमेरिकी औपनिवेशिक काल, उसके बाद जापानी कब्जे के दौरान भी तलाक की अनुमति नहीं थी। फिलीपींस कई देशों के द्वारा शासित हुआ है, इसका मतलब फिलीपींस पर कई देशों का कब्जा रहा है, कई देशों का उपनिवेश रहा है। जब 16वीं शताब्दी में स्पेन का ये उपनिवेश था तब भी यहाँ पर तलाक की व्यवस्था नहीं थी। अमेरिका का औपनिवेशिक काल जब 1898 से 1946 तक था तब भी इसमें तलाक की व्यवस्था नहीं थी, और यह जब 1942 से 1945 तक जापान के कब्जे में था तब भी यहाँ पर तलाक को मान्यता नहीं दी, अनुमति नहीं थी। और स्पेन, अर्जेंटीना, आयरलैंड जैसे देश जहाँ कैथोलिक आबादी बहुत ज्यादा है, वहीं पर 1980 और 90 के दशक में तलाक की अनुमति दी गई थी। केवल फिलीपींस के अलावा ही, जहां पर रोमन कैथोलिक लोगों की, धार्मिक लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, फिलीपींस में 78% से ज्यादा है, लेकिन वहां पर 16वीं शताब्दी से लेकर अभी तक तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें जहां पर कैथोलिक आबादी भी बहुत ज्यादा है, वैसे देश स्पेन हो गया, अर्जेंटीना होगा, आयरलैंड हो गया, ऐसे बहुत ऐसे जो देश हैं वहां पर अनुमति थी 1980 के दशक में और 1990 के दशक में भी तलाक की अनुमति थी। आधुनिक फिलीपींस जो है उसमें राजनेताओं, चर्च और अधिकांश आबादी द्वारा तलाक पर प्रतिबंध का पुरजोर समर्थन किया गया। अब इसमें मामूली गिरावट देखी जा रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब तलाक की अनुमति नहीं है तब पति पत्नी अगर चाहें तो एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं, तब क्या है मौजूदा प्रावधान इसके लिए? तो तलाक की अनुमति तो है नहीं फिलीपींस में, कानूनी अलगाव होता है। अब ये कानूनी अलगाव क्या है? अलग अलग रहने की अनुमति दी जाती है कि आप अलग रहिए, एक साथ ना रहिए, लेकिन विवाह को समाप्त नहीं किया जाएगा। कोई पक्ष दोबारा शादी भी नहीं कर सकता है। निरस्तीकरण, विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाता है, जैसे यह कभी हुआ ही नहीं था। अब अलग रहने की अनुमति दे दी जा सकती है, शादी दोबारा नहीं कर सकते हैं, आपके विवाह को शून्य कर दिया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि ये लोग कभी शादी ही नहीं किए हैं। अलगाव के आधार क्या होंगे? शारीरिक हिंसा। अब भाई अलगाव कैसे होगा, दोनों अलग कैसे होंगे? कुछ तो कारण रहा होगा कि दोनों लोग अलग होने का मन बनाए होंगे, उसमें हम बात करेंगे। शारीरिक हिंसा अगर हो, अपमानजनक आचरण हो, वैवाहिक बेवफाई हो, बेवफाई मतलब समझते हैं, बेवफाई मतलब शादी किसी और से और दिल किसी और के साथ लगा। आप तो देखते ही हैं कि चार बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फुर हो गई, ऐसी कहानियां और चुटकुले और असलियत के समाचार आपको तो देखने को मिल जाती है। तो बेवफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तलाक नहीं होगा लेकिन अलग हो जाएंगे। तो बेवफा लोगों से और बेवफाई करने से दोनों से बचना है। विवाह निरस्तीकरण के आधार क्या हो सकते हैं? पागलपन होगा, धोखाधड़ी होगा, बल प्रयोग होगा विवाह के समय, धमकी। इसके बाद बात करते हैं, अदालत में साबित करना होगा कि कानूनी उपाय महंगा, लंबा समय, घरेलू दुर्व्यवहार, संपत्ति आदि की समस्या, इतने तरीकों से तलाक तो नहीं होगा लेकिन कानूनी रूप से अलग हो सकते हैं। कारण क्या हो सकता है? बेवफा अगर आप हैं तब भी फिलीपींस कहता है कि आप अलग रहिए, दोबारा शादी नहीं करेंगे। आप कोई अत्याचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, सामाजिक रूप से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, यही स्थितियां हैं फिलीपींस में। फिलीपींस में अब जो विधेयक आया है तलाक के लिए, उसमें क्या प्रस्ताव किया गया है? तो पूर्ण तलाक का आधार निर्धारित किया जाएगा। उसमें पूर्ण तलाक कैसे हुआ होगा उसका निर्धारण किया जाएगा। वह कौन सी स्थितियां होंगी, वह कौन से कारक होंगे, वह कौन से कारण होंगी, वह कौन सी कठिनाइयां होंगी कि जो पूर्ण तलाक के लिए जिम्मेदार होंगी या पूर्ण तलाक पाने के लिए हकदार होंगे। मनोवैज्ञानिक अक्षमता, सुलह न हो सकने वाला मतभेद, घरेलू या व्यवहारिक दुर्व्यवहार, ऐसी स्थितियां कि जो सुलह न हो सके, घरेलू या वैवाहिक दुर्व्यवहार अगर आप करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, वैवाहिक दुर्व्यवहार करते हैं, या सुलह न हो सके, या मनोवैज्ञानिक अक्षमता है अर्थात आप पागल। पारिवारिक न्यायालय अगर ऐसा करता है, कुछ मामलों में कूलिंग ऑफ 60 दिन का अनिवार्य है, जैसे
हमारे देश में भी तलाक अगर आप दाखिल कर दे रहे हैं तो उसके बाद कूलिंग पीरियड दिया जाता है। कूलिंग पीरियड मतलब आप दोनों लोग अलग हो जाइए, तलाक के लिए न्यायालय में दाखिल कर ही दिए गए हैं। अब उसमें यह देखा जाता है जो आपके परिवारीजन होते हैं, जो आपके हितैषी होते हैं, वहाँ जाकर दोनों पक्षों से बात करते हैं और समझाते हैं कि शांत दिमाग से सोचिए, अगर आप अलग हो जाएंगे तो दोनों लोगों की ज़िंदगी तो सही चलेगी, नहीं तो अभी सोचने समझने का समय है, आप एक हो जाइए। वैसे ही फिलीपींस में भी जो कानून बनाया जाता है तलाक के लिए, तो अभी जैसे ही आप न्यायालय में दायर करेंगे उसके बाद आपको 60 दिनों का 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। कूलिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, अपने किए हुए फैसले को फिर से दोबारा उस पर विचार करके उसको वापस लेने की भी सोच सकते हैं। इसी को हम लोग कूलिंग पीरियड का नाम देते हैं। अगर याचिका आगे बढ़ती है तो उस पर 1 साल के भीतर फैसला होना चाहिए। 60 दिन के कूलिंग पीरियड में अगर अब मामला नहीं सेट होता है तो क्या करेंगे, 1 साल के अंदर यह व्यवस्था पूरी तरीके से हो जानी चाहिए कि हम पूर्ण तलाक मिल जाना चाहिए। और इसके बाद क्या होगा, इस विधेयक में पूर्ण विवाह का अधिकार मिले। ऐसा नहीं है कि तलाक हो गया उसके बाद हमें विवाह का अधिकार ही नहीं है, नहीं, तलाक होने के बाद विवाह का अधिकार मिलना चाहिए। जो 2018 में प्रतिनिधि सभा में सीमित स्तर पर एक ऐसे विधेयक को पारित किया गया था, वरिष्ठ कैथोलिक पादरी द्वारा विरोध किया गया था, जो सीनेट में विफल रहा। सर्वेक्षण क्या कहता है कि आधी आबादी तलाक को स्वीकार कर रही है। वर्तमान राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस इसके समर्थन में है, जब राष्ट्रपति ही समर्थन में है इसलिए यह तलाक वाली व्यवस्था होनी चाहिए। आज के युग में स्वतंत्रता है, कानून को वरीयता दी जानी चाहिए, सामाजिक मान्यताओं से परे व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार चलना चाहिए, संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। अब जब स्पेन में आयरलैंड में ऐसे लोग रह रहे हैं कैथोलिक रोमन कैथोलिक और उनमें तलाक की व्यवस्था 19 है और वैसा ही रोमन कैथोलिक वाला देश ही फिलीपींस, इसमें तलाक की व्यवस्था नहीं की गई है। यह एक व्यवस्था अपने आप में द्वयम दर्जे की व्यवस्था को इंगित करता है। इसलिए राष्ट्रपति का भी समर्थन है तलाक के पक्ष में और वहाँ उस देश की आधी आबादी भी चाहती है कि इसमें भी पूर्ण रूप से तलाक का एक कानून बन जाए जिसमें व्यक्ति जो आधार बताए गए हैं उन आधारों को अपनाकर तलाक ले सके और पूर्ण रूप से अलग हो सके, दूसरी शादी कर सके, नया जीवन जी सके। ये रही फिलीपींस में चर्चा हो रहे तलाक विषय पर। हमने जाना कि विश्व के किन किन देशों में तलाक की व्यवस्था नहीं है। अलग तो हो सकते हैं लेकिन दोबारा विवाह नहीं कर सकते, ऐसे तमाम देशों के बारे में हमने पढ़ा। फिलीपींस के मुद्दे को जाना कि फिलीपींस के राष्ट्रपति क्या इस विधेयक को पारित करवा पाएंगे, लागू कर पाएंगे, यह तो आगे की राह होगी। लेकिन आपको हमारी कक्षाएँ वीडियोज़ कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।